नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में साल के अंत में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है, अब उस कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। एक वक्त उनकी पार्टी का हिस्सा रह चुके राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि सिंधिया को लेकर अब अहम दावे ये किए जा रहे हैं कि जहां एक तरफ सिंधिया को लेकर ये मांग उठ रही थी कि सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से उन्हें आगे किया जाए, लेकिन अब यहां पर अंदरूनी सूत्रों की माने तो दावा ये किया जा रहा है कि अब बीजेपी एक अलग ही रणनीति खेल सकती है। जो विधानसभा चुनाव होंगे वो सिंधिया के इर्द गिर्द ही लड़े जा सकते हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है और शिवराज सिंह चौहान जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सिंधिया को मध्य प्रदेश में एक्टिव तो किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें एक्टिव करने की रणनीति बनाई जा रही है जिससे कि उनके इर्द गिर्द ही चुनाव लड़े जा सके। ऐसे में कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान से युवा नेता सचिन पायलट को लेकर बयान दिया था, तो वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा यह आपको बताते हैं। दरअसल जीतू पटवारी से यहां पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किस तरह से गई। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा कि क्यों नहीं होगी सरकार, जब जनता ने बना कर दी, जनता को हम पर भरोसा था, लेकिन क्या कारण था, धन के बल पर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई। ये सभी जानते हैं कि 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए, उन्हें खरीदा गया और देश की सरकार ने पूरा धन बल उपयोग किया था। वहीं यहां पर उनसे ये भी पूछा गया कि आखिरकार यहां पर किस तरीके से जो विजय सिंह है उनको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि कांग्रेस में बुजुर्गों का बड़ा बोलबाला है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है। और यहां पर देखा जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहां पर सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ऐसे में यहां पर दिग्विजय सिंह को लेकर भी उन्होंने बात कही। उनसे पूछा गया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर सिंधिया को किनारे कर दिया था, उनका कहना रहा कि देखिए बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए, पीएम मोदी की उम्र क्या है, क्या उन्हें राजनीति छोड़ने के लिए कह दिया गया है, ये नीति बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लेना होता है। जहां तक कमलनाथ की बात है, वह विश्व के नेता हैं, उन्हें पीएम मोदी से ज्यादा अनुभव है। कमलनाथ ने जितने मंत्री बनाए थे सब यंग थे, लगभग 80% मंत्री यंग थे, बात उम्र की नहीं है बल्कि काम की है, यहां पर इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर जो लोग छोड़कर जा चुके हैं सड़क पर उतर रिपीट जो लोग छोड़कर गए हैं सड़क पर वह उतरते हुए नजर आए हैं, उनको लेकर उनका कहना रहा कि सब बात कार्यकर्ता को अच्छी लगे ये संभव नहीं है, मीडिया ने जो बातें बताई वो पूरी तरह से सच नहीं है, हम तो सेवा करने आए थे, केंद्रीय मंत्री का पद लिया और सभी को फिर से मंत्री बनाया, सब साफ है कि उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल देखा जाए मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर यहाँ पर डंके की चोट पर उन्होंने बात रखी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर बातें रखी और सिंधिया को लेकर भी, क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया अब यहाँ पर एक बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी उन्होंने अपनी डंकी की चोट पर बातें रखी, क्योंकि बीते पिछले दिनों ही यहां पर यह कहा गया था कि मैं बीजेपी वालों का दुश्मन नहीं, मेरी क्या दुश्मनी है शिवराज से। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर जीतू पटवारी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी कि यहां न्याय के लिए, विचारों के लिए लड़ाई है, बीजेपी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती है, उसका भी जवाब दिया जाता है, मैं अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, बीजेपी ने प्रदेश को कैसा बना दिया, यहां पर यह बातें उन्होंने रखी। अब यहां पर यह देखना होगा कि सिंधिया जो साल 2020 में अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब आने वाले वक्त में यहां पर सिंधिया का कद जिस तरीके से और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है मध्य प्रदेश की सियासत में, बीजेपी खेमे में, क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी वाकई में उन्हें चुनौती दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस यहां पर सिंधिया के जाने के बाद कमजोर पड़ चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया को ही सौंपा गया है और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया पर जिस तरीके से यहां पर पलटवार किए जा रहे, बार बार उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, वहीं राहुल गांधी भी खरीद फरोख्त का मामला उठाए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिंधिया और विधायकों को लेकर। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।